हेलो फ्रेंड, हमारा ये सीरीज पावर एमसीक्यू सीरीज जो है आपका, इसका लेक्चर नंबर थर्ड है। इससे पहले अगर आपने और भी लेक्चर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। ये जो है पूरे ऑल इंडिया एजी एग्जाम को कवर करते हुए स्टार्ट किया गया है ये सीरीज, ठीक है। और इसमें जो है आपके पूरे ऑल इंडिया को यहाँ पे कवर हम लोग करेंगे इस सीरीज में। 10,000 एमसीक्यू हमें इस सीरीज में डिस्कस करना है। जो अभी हम टॉप 1,000 एमसीक्यू पे काम कर रहे हैं, बेसिक पे पूरा, ठीक है। जिनको पेड कोर्स अगर इसका रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ जाइएगा और वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। जॉब नोटिफिकेशन, पेपर, सारा चीज़ आपका जो है हमारे साइट पे अवेलेबल है, यहाँ पे इजिली विजिट कर सकते हो आप। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो है क्वेश्चन आपका एलएमआरसी असिस्टेंट मैनेजर 2020 का ही क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जेई में इस तरह के क्वेश्चन के 100% पॉसिबिलिटी है बनने की। यहाँ पे दिया गया है, इफ द करेंट चेंज फ्रॉम 4 से लेकर 6 एम्पियर चेंज हो रहा है आपका 1 सेकेंड में और इंड्यूस हो रहा है आपका 40 वोल्ट, इंडक्टेंस आपको यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होता है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, DL बराबर होता है DI/DT, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट है वो आपका 4 से लेके आपका 6 एम्पियर तक चेंज हो रहा है। और यहाँ पे जो है आपका इंड्यूस EMF कितना है, 40 वोल्टेज है। और यहाँ पे इंडक्टेंस आपको L बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस L बताना है हमें। तो यहाँ से L बराबर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे L बराबर हो जाएगा EMF/DI/DT हो जाएगा। यहाँ पे L की वैल्यू निकालने के लिए हमें 40 ऊपर होना होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करेंट है 4 से लेकर 6 तक चेंज हो रही है, यानी यहाँ पे जो करेंट का चेंजिंग है वो आपका I2 माइनस I1 होता है आपका, यानी 4 में से 6 जाएगा, ठीक है। अपोजिट मत घटा देना, नहीं तो आपका माइनस जो आएगा जो आपके पोलरिटी को अपोज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस 6 हो जाएगा आपका, ऊपर होगा 40 और 2, और ये हो जाएगा आपका टोटल 20 हेनरी आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, 20 हेनरी, ठीक है। पहला ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग क्वाइल है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर आपका कोई लॉन्ग क्वाइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है आपका, 8 टर्न है, और कैरी कर रहा है करंट कितना, 500 mA, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपको यहाँ पे बताना है इस क्वाइल का। तो यहाँ पे देखो, मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स होता है H बराबर होता है आपका MMF अपान L होता है। MMF जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न अपान करेंट से हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपको इजीली बताना है। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकालने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न आपके पास 8 है और करेंट जो है वो आपका 500 mA है, 10^-3 हो जाएगा। लेंथ कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से एच की वैल्यू आप निकालिएगा, 100 एम्पियर टर्न पर मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। सी ऑप्शन जो होगा ये आपका राइट होगा। ये भी LMRC असिस्टेंट मैनेजर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन, जब LMRC में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो जी में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है इस टाइप के क्वेश्चन के आने की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 2 कैपेसिटर जो है C1 और C2 जो है अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, C1 का मान अगर 100 μF है और C2 जो है 50 μF है, व्हाट इज द टोटल स्टोर एनर्जी कितना होगा, स्टडी वोल्टेज जो है अगर आपका 1000 है, ठीक है। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस जो होता है आपका है, मतलब डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 100 और 50 है, तो यहाँ पे इक्वेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा पैरेलल में वो आपका 150 μF होगा, यानी 150 को हम लिख सकते हैं 150×10^-6 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होता है आपका इजीली पता होगा, ½CV² आपका चलता है। तो यहाँ पे हाफ का मतलब कैपेसिटेंस आपका टोटल कितना है, 150×10^-6 होगा। वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हो, 1000 वोल्टेज है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे 1000 वोल्टेज का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 75 जूल आपका जो है यहाँ पे आंसर बनेगा। बी वाला जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो अगला यहाँ पे क्वेश्चन,
आंध्र प्रदेश पीएससी क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का ये क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो दिया गया है, इन द सर्किट शो इन द बिलो पावर सप्लाई बाय द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये कितना पावर सप्लाई करेगा। ठीक है, तो पावर सप्लाई करने का मतलब सिंपल सी बात है कि पी बराबर होता है वी इन टू आई। ठीक है, वोल्टेज इन टू करेंट हमें चाहिए यहाँ पे, तो वोल्टेज तो है हमारे पास 15, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, हमें करेंट फाइंड आउट करना है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे जो पावर सप्लाई होगा वोल्टेज सोर्स के द्वारा वो हम यहाँ पे कंसीडर मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमें पावर निकालना है, यानी वी इन टू आई चाहिए हमें। ठीक है, तो वोल्टेज तो हमें पहले से ही पता है 15 है, सिर्फ हमें यहाँ पे किसी भी तरीके से करेंट लेकर आना होगा। ठीक है, तो चलो पहले करेंट का ही निकालना होगा हमें, थोड़ा सा मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। ठीक है, करेंट हम लोग पहले निकालते हैं, जस्ट वन सेकेंड। यहाँ पे देखो करंट कैसे निकालना होगा आपको, यहाँ पे हम मान लेते हैं फ्री है तो हम कुछ भी मान सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे मान लो एक करंट आ रही है आपकी आई। ठीक है, और इधर से देखो ये आपका 0.5 एम्पियर जो है करंट इस साइड आ रही है, ये हम मान सकते हैं। और इस साइड जो करंट जा रही होगी 120 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके साइड जो करंट जा रही होगी हम मान सकते हैं इसे I1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारा नोड हो गया। इस नोड पे हमें यूज़ करना है हमें क्या, KCL यूज़ कर लेते हैं। चलो KCL यही वो रिप्रेजेंट करता है कि आने वाली करंट और जाने वाली जो करंट होता है वो इक्वल होता है। तो आने वाली कौन कौन सी है इस नोड पे, आई करंट आ रही है आपकी। ठीक है, और इधर से जो है 0.5 एम्पियर आ रही है, और जाने वाली जो है आपकी रिजल्टेंट करंट कितना है, I1 है। ठीक है, इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा काम हमें क्या करना है, जस्ट वन सेकेंड, कलर चेंज करते हैं हम लोग। अब इस वाले में आपको अप्लाई करना है KVL। ठीक है, KVL चलो अप्लाई कर लेते हैं। आप यहां से जाओगे लोअर टू हायर पोटेंशियल आप जा रहे हो, तो यहां पे हो जाएगा आपका 15 वोल्टेज। ठीक है, और यहां से होगा प्लस और यहां पे माइनस, यहां पे जो ड्रॉप होगा वो आपका कितना होगा, यहां पे 60 × I का ड्रॉप होगा। ठीक है, माइनस पोलरिटी होगी, 60 × I का ड्रॉप होगा। नीचे आओगे तो यहाँ पर जो है I1 जो यहाँ पे आपका I1 फ्लो है, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा माइनस 120 है, सॉरी। ठीक है, 120 ओम है, और करंट यहाँ पे जो इस ब्रांच में हम लोगों ने माना हुआ है उसे हमने I1 माना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कर लेना है इसे इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे इजली यहाँ पे जो है इसको 15 को इधर ही रख लो और इसको जब पक्षांतर कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, पक्षांतर करोगे तो ये आपका कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने 15 को इधर ही रखा है, इसको पक्षांतर कर दिया है, और इसके बाद क्या करना है, इसे छोटा कर दो। ठीक है, तो 15 से भाग दे दो आप दोनों साइड, 15 से भाग दे के छोटा कर लो, तो 15 × 15 हो जाएगा इधर। ठीक है, और इधर 15 × 60 हो जाएगा 4 × I, और यहाँ पर जब 15 से भाग दोगे तो 15 × 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा I1। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा मे भी, और ये हो जाएगा आपका 8 I1, और आपका ये हो जाएगा 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो हमने अभी KVL यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे KVL यही रिप्रेजेंट करता है, जितना भी ड्रॉप हो रहा है उसको जोड़ लो। ठीक है, तो ये आपका ड्रॉप हमने देखा यहाँ पे 60 ओम के अक्रॉस ड्रॉप, और 120 ओम के अक्रॉस हमने ड्रॉप को कंसीडर करके यहाँ पे 2 इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो है I1 की जो वैल्यू है KCL के थ्रू हम लोगों ने जो निकाला है, इस I1 की जो वैल्यू है आपके ला को यहाँ ला के जो है यहाँ पे इस वाले इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में जब आप इसे रखोगे तो ये हो जाएगा 4I + 8। I1 की वैल्यू कितना है आपके पास, I+0.5। ठीक है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, जैसे आप कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो 4I हो जाएगा, और यहाँ पे 8 × 5 = 40 हो जाएगा ना, ब्रैकेट को ओपन कर लेना आप लोग, 8 × 5 = 40 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 8 × 4 = 12 हो जाएगा, 12 × I, और यहाँ पे ये 1 होगा और ये 4 आपका इधर चला जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे I बराबर कितना हो जाएगा, -3/12। यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, 12 में 3 का भाग दीजिएगा तो -12 = 36। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो करंट आपका कितना आ गया, -0.25 एम्पियर। तो देखो करंट तो हमारे पास आ गया, अब इजली हमें यहाँ पे देखो फाइनल पोजीशन यही था हमारा।
ठीक है, फाइनली हमें यही निकालना था आपको कि कितना पावर जो है वोल्टेज सोर्स जो है सप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वोल्टेज तो आपको पता है कितना पावर यहाँ पे चाहिए, तो वोल्टेज इंटू करेंट ही हमारे पास यही था। वोल्टेज आपको 15 ही है, करेंट आपका कितना है, आपका -2.5 है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा, 15 × -2.5 गुणा करिएगा, तो यहाँ पे जो आएगा इसका -75 वाट। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब सब इजिली सॉल्व कराना है, बिकॉज क्योंकि बहुत लोगों को नेटवर्क आता भी है, बहुत लोगों को नेटवर्क नहीं भी आता है, तो सबको लेके चलना है भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पे कमेंट करो, देखते हैं मैक्सिमम कितने लोग इसको क्वेश्चन को बना पाते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हो आप एक तरीके से। इस टाइप के क्वेश्चन 100% पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी और आगे भी बहुत अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि एक अच्छा स्टूडेंट भी जो है गलती कर देगा। तो धीरे धीरे आप इस सीरीज में बने रहो, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी मिलने हैं, अभी तो ये स्टार्ट है, धीरे धीरे लेवल आने दो, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा और इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे करना क्या है, दिया गया है द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, हमें यहाँ पे इस सर्किट में हमें बताना है। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे निकालना है। ये भी जो है आंध्र प्रदेश PSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2020 का ही क्वेश्चन है आपका। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, सिंपली जितने भी आपके करेंट सोर्स हैं इनको कन्वर्ट कर लो आप सीधे सीधे वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, तो जो हमने गोला रिप्रेजेंट किया हुआ ना, इसको चलो हम कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स में। कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए भाई, वोल्टेज में अगर लेके आना है आपको, तो वोल्टेज बराबर होता है करेंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट आपके पास 5 एम्पियर है और रेजिस्टेंस कितना आपके पास 1 है, तो 5 × 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना होगा आपका, 5 वोल्टेज होगा ना। और करंट की डायरेक्शन देखो ऊपर है, तो प्लस प्लस हम ऊपर करेंगे ना और माइनस नीचे। ठीक है, यानी इसका इक्वलेंट बनाना चाहो, देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आपका प्लस पोलैरिटी, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पोलैरिटी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जब करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो प्लस आपको ऊपर रखना है, निगेटिव प्लेट आपको नीचे साइड रिप्रेजेंट करना है आपका। ठीक है, तो ये टोटल कितना वोल्टेज हो गया आपका, 5 वोल्टेज हो गया। और जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज के सीरीज में ऐड होता है, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस ए को आप यहाँ पे कनेक्ट कर लो। इसी तरीके इसको जो अब आप वोल्टेज सोर्स में कनेक्ट कन्वर्ट करोगे तो 10 × 2 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन देखो इस साइड है, यानी पॉजिटिव प्लेट को हम यहाँ पे लेंगे और निगेटिव प्लेट को यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 10 × 20। ठीक है, ये 20 वोल्टेज हो जाएगा और 2 ओम का रेजिस्टेंस आपका कहाँ पे आ जाएगा, सीरीज में। तो ये आप लिख लेना यहाँ पे, 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी तो आपको सेम मतलब सेम उतार देना है, बाकी भी बस कन्वर्ट करेंट सोर्स को ही वोल्टेज सोर्स में लाना था। अब वोल्टेज सोर्स तो ही है हमारे पास। ठीक है, अब दो कई सारे वोल्टेज सोर्स हो जाएंगे, तो इनका हम सीरीज साल्ट और ये कंडीशन अभी यूज़ करते हैं, देखते हैं हम लोग आगे क्या करना है हमें। ठीक है, तो पहला प्रोसेस आपको क्या करना है भाई, करेंट सोर्स को हमें कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, तो हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया यार, उसके बाद ये आपका कितना वोल्टेज है, ये आपका 10 वोल्टेज है और ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, इजिली आपको अब यहाँ पे KVL अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं KVL। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज चाहिए भाई, तो यहाँ पे KVL अप्लाई कर लेते हैं हम। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पे इजिली पता चल जाएगा। चलो KVL अप्लाई करते हैं हम, यहाँ से लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, यानी कितना वोल्टेज हो जाएगा, 5 वोल्टेज आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये माइनस, करेंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये माइनस कितना होगा आपका, मान लो इस सर्किट में पूरी करेंट जो है वो आपका आई फ्लो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे KVL यूज कर रहे हैं, यहाँ पे करेंट रिप्रेजेंट कर लो, आई फ्लो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 × I हो जाएगा ना, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा। और यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये प्लस है, लोअर टू हायर पोटेंशियल आप जा रहे हो, तो यहाँ पे आपका प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये प्लस है और ये आपका माइनस है। ठीक है, और ये भी देखो ये प्लस है और ये आपका माइनस है,
दो और दो सीरीज में है ना, तो दोनों का अलग अलग लिखने से बढ़िया है हम दो और दो को क्या कर देते हैं सीरीज में, हम इसको ले लेते हैं चार, और यहाँ पे चार इंटू माइनस ही हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस चार इंटू आई का ड्रॉप होगा, और यहाँ पे आ जाओ तो ये माइनस है और ये आपका प्लस है, तो लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हो आप, तो ये 10 वोल्टेज हो जाएगा आपका, ठीक है, बराबर 0। केवीएल हम लोगों ने लगा लिया भाई। अब यहाँ पे देखो ये चार है और आपका ये एक है, टोटल कितना हो जाएगा, पाँच आई हो जाएगा, और ये आपका देखो 10 है और ये आपका 20 है, 30 हो जाएगा, और ये पाँच कितना है आपका 35 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ से -5 आई बराबर हो जाएगा आपका -35, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, और आई बराबर हो जाएगा 35/5, यानी 7 एम्पियर की करंट आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। अब ये जो 7 एम्पियर की जो करंट है इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है, ठीक है, तो ड्रॉप आपको यहाँ पे आउटपुट पे निकालना था हमें, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इजिली, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा आउटपुट वी बराबर होता है आई इंटू आर होता है, करेंट हमें 7 एम्पियर पता चल गया, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2 है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो आपका कितना हो गया, 14 वोल्टेज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो ड्रॉप है ये अभी आपका यहाँ पे इस यहाँ का ड्रॉप है, ठीक है, 14 वोल्टेज आ गया। अब अगर इसी ऑप्शन में अगर 14 वोल्टेज होता ना तो फिर मज़ा आ जाता आपका, ठीक है, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट यही गलती करते हैं, 14 वोल्टेज को ट्रिक करके आते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका 14 वोल्टेज का ड्रॉप जो है इस आधे वाले पोर्शन पे ही है, लेकिन यहाँ पे जो 10 वोल्टेज का है इसका भी इफेक्ट बहुत लोग नहीं करेंगे, होता है गलती में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 14 वोल्टेज तो ये है भाई और 10 वोल्टेज ये है, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा, इजली आपको पता है 14 में से आपको 10 घटाना होगा ना, क्योंकि यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे माइनस टू लोअर टू हायर पोटेंशियल पे आप जा रहे हो, ठीक है, और ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस ड्रॉप को शो कर रहा है, ठीक है, तो 14 वोल्टेज का यहाँ पे ड्रॉप आप ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे 14 वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो आपका माइनस में है, और यहाँ पे आपका प्लस मान सकते हो 10 को, दोनों को घटाओगे तो आपका इजिली कितना होगा, 4 वोल्टेज आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है, ये प्लस हम मानते हैं और ये माइनस मानते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस मानते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपका -14 हो जाएगा, और यहाँ पे लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहा हो तो ये प्लस वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 4 वोल्टेज आएगा, ठीक है, लेकिन माइनस में यहाँ पे शो नहीं किया गया है तो आपका 4 वोल्टेज यहाँ पे सही होगा, ठीक है, तो आपका इतना कन्फ्यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिएगा यहाँ का जो ड्रॉप है बहुत लोग मोस्टली इसी में जो है ड्रॉप को कैलकुलेट करके फाइनली फाइनल आंसर लेकर आते हैं, जो आपका गलत हो सकता है, इस 10 वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये छोटा सा गलती में भी होता है बहुत लोगों से, तो चलिए अब आगे यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जसवंत सिंह, ये सर्किट ड्रॉ द एक्टिव पावर जो है आपका 1000 वाट है एंड द रिएक्टिव पावर जो है 1000 VAR है और 200 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की AC सोर्स है, RMS वैल्यू जो है आपका करेंट का कितना होगा फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो एक्टिव पावर है वो आपका है 1000 वाट है, रिएक्टिव जो पावर है वो भी आपका 1000 VAR है, ठीक है, ये आपका वाट में ही है, चलो भाई वाट में ही है, ठीक है, तो इतना हो गया, ये आपका एंगल थीटा को रिप्रेजेंट करता है भाई, जिसे हम लोग पावर फैक्टर के थ्रू आप समझ सकते हो, ठीक है, ये आपका एक्टिव पावर होता है और ये आपका रिएक्टिव पावर होता है और ये आपका अपरेंट पावर होता है, ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा हम लोग लगाते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पे हमें करेंट निकालना है ना, तो करेंट आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट और ड्रॉ फ्रॉम द सोर्स, सोर्स के थ्रू कितना आरएमएस करेंट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्टिव पावर है, तो यहाँ पे रिएक्टिव में ही सारा हम लोग गेम खेलेंगे, तो यहाँ पे जो पावर होता है, ठीक है, पावर जो होता है आपका रिएक्टिव जो पावर होगा वो आपका होता है VRMS IRMS इंटू साइन थीटा होता है, ठीक है, यही होता है आपका जो रिएक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर VI cos phi होता है या cos थीटा बोल सकते हो आपका,
तो यहाँ पे क्या है करना है, सबसे पहले तो हमें थीटा पे कंसीडर करना होगा भाई, ठीक है। सारा गेम तो यहाँ पे थीटा का है, तो चलो अभी थीटा देखो, यहाँ पे टेन लगा दो, ठीक है। यहाँ पे टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो लंब यहाँ पे क्या है, लंब आपका, ये आपका लंब है, ठीक है, 1000, तो ये आपका 1000 हो जाएगा। और आधार भी आपका, आधार कौन सा है, एक्टिव पावर जो है वो आपका आधार है, ठीक है। रिएक्टिव पावर जो है लंब है, और ये आपका आधार, ये कैंसिल आउट करोगे तो ये वन हो जाएगा। थीटा का जो मान होगा टैन इनवर्स वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टैन 45 अंश का मान जो होता है वो आपका एक होता है। तो थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। कुल मिला के हमें यहाँ पे थीटा ही निकालना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे थीटा निकाल लिया है। अभी इसकी वैल्यू जो है ला के यहाँ पे रखते हैं हम लोग। वी आर एम एस कितना है आपका, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे पावर जो है आपका, रिएक्टिव पावर कितना आपका 1000 है, तो 1000 रख लो। और वी आर एम एस आपका कितना है, 200 है। आई आर एम एस आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। साइन थीटा का मान यहाँ पे साइन 45 अंश हो जाएगा। साइन 45 अंश का मान जो होता है वो आपका होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पे आई आर एम एस आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। आई आर एम एस आप निकालना होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 1000 और नीचे आपका हो जाएगा 200 साइन 45 अंश का मान 1/√2। इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका 5√2 हो जाएगा, यानी टोटल इसका आंसर 5 × 1.414 होगा। और इसे आप फाइनल जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका 7.07 आपका क्या बनेगा आपका, ठीक है। तो फाइनली तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो आपका बी वाला ही है, ये आपका यहीं पे ला के आंसर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर आप बन सकता है और यहाँ पे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये तो आपका रिएक्टिव पावर हुआ। एक्टिव पावर का गेम समझ लो, एक्टिव पावर जो होगा VI VRMS × IRMS × cos θ होगा। तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे जो है, अगर यहाँ से करंट अगर आप निकालते हो, एक्टिव पावर तो आपको पता ही है कि 1000 है और ये RMS वोल्टेज आपका इतना है, और बस आपको करंट निकालना है यहाँ पे cos 45। यहाँ पे जब आप रखिएगा और यहाँ से जब IRMS निकालिएगा तो सेम मैग्नीट्यूड सेम करंट आपका आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम सेम करंट, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव और रिएक्टिव पावर सेम है, तो जो आपका RMS वैल्यू करंट जो सोर्स देगा वो आपका सेम होगा दोनों का, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आपका। यहाँ से एक्टिव पावर भी पूछा जा सकता था, रिएक्टिव पावर यहाँ पे तो पूछा ही गया है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश PSC में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। देखो आंध्र प्रदेश PSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर में ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। दो वोल्टेज सोर्स हैं, V1 आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, V2 यहाँ पे दिया गया है, जो कनेक्टेड हैं सीरीज में। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ ए रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है। तो जिनको भी अगर आते हैं ये क्वेश्चन तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर कमेंट आप करते हो तो उसे पता चलता है कि मतलब हाँ आप एक्टिव हो। तो यहाँ पे देखो V1 बराबर है 90 sin ωt प्लस 45 डिग्री है। इसी तरीके आपका V2 जो दिया गया है वो आपका 90 sin ωt 225 डिग्री दिया गया है यहाँ पे आपका, ठीक है। 225 को इजिली जो है आपको 180 प्लस 45 कर लेना, ठीक है। 180 प्लस 45 कर लेना यार, ठीक है। और साइन थीटा बराबर होता है -sin θ, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। हाई स्कूल में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा बराबर होता है -sin θ। तो यहाँ पे V2 को अगर कन्वर्ट करोगे तो माइनस में माइनस हो जाएगा, तो माइनस आपका आगे लगेगा, 90 बचेगा। और यहाँ पे साइन ओमेगा, ये 225 को हमने ये 180 प्लस 45 लिखा है, तो यहाँ पे आपका जो थीटा होगा वो आपका 45 हो जाएगा ना, और आगे का जो चिन्ह है वो आपका बदल जाएगा आपका, ठीक है। अब दोनों सीरीज में है तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है। सीरीज में आपको पता है कि कोई भी सर्किट अगर सीरीज में है तो वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो आपका ऐड हो जाता है आपका, ठीक है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज आप निकाल लो, साइन, पहला वोल्टेज आपका कितना है 90 sin ωt प्लस 45 हो जाएगा, और आपका दूसरा आप कितना है भाई, दूसरा हम लोगों ने कन्वर्ट किया है माइनस, प्लस ही रहेगा, लेकिन अब तो ये चिन्ह प्लस है, तो अगर यहाँ पे माइनस है गुणा करोगे तो माइनस ही हो जाएगा आपका। ये आपका 90 sin ωt प्लस 45 बचेगा, ठीक है। तो देखो दोनों आपका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, ये भी सेम है और ये भी सेम है,
यहाँ पे प्लस है तो ये आपका इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पहला इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका आईटीआई लेवल पे भी क्वेश्चन बन सकता है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है, जेई लेवल पे तो 100% चांस है। सारा गेम बस आपका यहीं पर था। ठीक है, तो TG2 और मतलब लोअर लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग जो है ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं देख पाएंगे, बिकॉज थोड़ा टाइम प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा कम ही टाइम पे हम लोग का मतलब मैनेज करिएगा। देखो, दिया गया है एसी वोल्टेज इज अप्लाई टू द आरएल सीरीज सर्किट, कोई एक रजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट है जो आपका आर है और एल है। ठीक है, एसी वोल्टेज अप्लाई किया है आरएल सीरीज सर्किट पे, जिसे रेजिस्टेंस का मान जो है आपका 50 ओम है और रिएक्टेंस जो है आपका ये भी 50 ओम है। आगे दिया गया है व्हेन अप्लाइड विद द साइनोसोडल वैरिंग वोल्टेज, अगर हम अप्लाई करते हैं देन करंट फ्लोइंग विल बी लैग बिहाइंड द वोल्टेज इज एंगल, जो हमारा करंट होगा वो कितने डिग्री से लैग करेगा। ठीक है, वैसे भी इंडक्टिव सर्किट है तो करंट 100% लैग ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लैग जो होता है ना, हमें थीटा चाहिए। ठीक है, तो टैन बराबर होता है एक्सएल बाई आर होता है। ठीक है, एक्सएल बाई आर होता है, इसी से हम बता सकते हैं कि कितना ये लैग करेगा। तो टैन थीटा, एक्सेल की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंस एक्सेल ही दिया है, सॉरी यहाँ पे रिएक्टेंस ही 50 है। तो ठीक है, तो एक्सेल आपका कितना हो जाएगा 50 है, रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 50 है, इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स 1, ये जो है थीटा लगभग 45 अंश का मान होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लगभग 45 डिग्री जो होगा वो आपका लैग करेगा, सी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। ये सब बहुत ही अच्छे लेवल के मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके जेई में भी है, एयूआई में। ये तो हालांकि क्वेश्चन यही का ही है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन और भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे चलो, ये 200 वोल्टेज 50 हर्ट्ज का इंडक्टिव सर्किट है हमारे पास। ठीक है, इंडक्टिव कोई सर्किट है और यहाँ पे जो है 200 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज हम यहाँ पे कोई इंडक्टिव सर्किट है, जो आपका करंट कितना ले रहा है, आपका करंट जो है वो आपका 20 एम्पियर ले रहा है। लैगिंग जो पावर फैक्टर है वो आपका कितना है, पॉइंट लैगिंग पावर फैक्टर जो है आपका 0.8 है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो हमें इस सर्किट का बताना है भाई। ठीक है, सो इसका जो है ये भी काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका भी ये जो आंसर आप कमेंट करिएगा, देखते हैं मैक्सिमम कितने लोग कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या निकालना है हमें, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल निकालना है हमें भाई। ठीक है, एक्सएल निकालना है हमें, तो यहाँ पे देखो इम्पीडेंस होता है आपका, इम्पीडेंस बराबर होता है आर स्क्वायर इंटू एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, इम्पीडेंस का स्क्वायर जो होता है वो आपका आर स्क्वायर इंटू एक्सएल स्क्वायर। यहाँ पे एक्सएल आप निकाल सकते हो, एक्सएल स्क्वायर निकालने के लिए हमें यहाँ पे अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब ठीक है हमें यही फाइनली लेकर आना होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल निकालने के लिए हमें इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम निकाल पाएंगे भाई। ठीक है, तो हमें किसी भी तरीके से इम्पीडेंस के पास जाना होगा, इम्पीडेंस लाना होगा हमें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लेवल क्वेश्चन है, चलो इम्पीडेंस के पास चलते हैं, कैसे आएगा इम्पीडेंस इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखो पावर फैक्टर दिया गया है। ठीक है, तो कास पावर फैक्टर बराबर कास थीटा बराबर कितना होता है, आर बाई जेड होता है, आपने पढ़ा भी होगा पावर फैक्टर के 2-3 फार्मूले होते हैं, जिसमें कास थीटा बराबर आर बाई जेड होता है। ठीक है, और कास थीटा की वैल्यू आपको पता है कि कितना है, 0.8 आपका दिया गया है। ठीक है, और जो वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो आई इंटू जेड होता है ना, वोल्टेज का जो ड्रॉप हम लोग कंसिडर करते हैं वो आई इंटू जेड करते हैं, जिसमें आपका वोल्टेज कितना है आपका 200 वोल्टेज है, करेंट कितना है आपके पास, करेंट 20 एम्पियर है, और यहाँ से आप इम्पीडेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पीडेंस कितना होगा, 200/20 जब करोगे तो ये 0 से कैंसिल और ये आपका 10 ओम। ठीक है, तो इम्पीडेंस हमारे पास आ गया भाई। ठीक है, इम्पीडेंस आ गया, और यहाँ पे देखो अभी हमारे पास देखो रेजिस्टेंस भी नहीं दिया है, तो रेजिस्टेंस भी निकालना होगा हमें। ठीक है, तो अगर इम्पीडेंस आ गया तो आर बाई जेड, इम्पीडेंस अगर 10 है और पावर फैक्टर का मान आपका 0.8 है यहाँ से इस वाले से, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है, 10 × 0.8 रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, 8 ओम हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने इम्पीडेंस भी निकाल लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, बस अब इजिली आपको यहाँ पे एक्सएल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इम्पीडेंस आपका 10 है, 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, मतलब
64 और ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट ये आपका कितना होगा 36, और इसका आपका वर्गमूल करोगे 36 का तो 6 हो जाएगा। 6 ओम यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा पहला, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में छोटा है, सॉल्यूशन करने में छोटा है, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी इस टाइप के क्वेश्चन की रहती है हमेशा, ठीक है। तो इसको भी इम्पॉर्टेंट बना लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल क्वेश्चन है आपका, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, और ये फिलहाल लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसको मानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आज टाइम हम लोग कम दे रहे हैं, बिकॉज थोड़ा सा आज टाइम प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो आरएमएस जो वैल्यू है यहाँ पे, करंट फ्लोइंग थ्रू द L1, L2 एंड C, ये आपका L1 है और ये आपका C है और ये आपका L2 है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक करंट फ्लो रही है और यहाँ पे करंट और यहाँ पे, ठीक है। L1, L2 और C में जो करंट है, L1 में करंट आपका 0.5 एम्पियर है, और L2 में जो करंट है भाई वो कितना है आपका 0.3 एम्पियर है, और आपका कैपेसिटेंस में जो करंट होगा आपका 0.2 एम्पियर है, ठीक है। टोटल जो करंट होगा वो आपका रिजल्टेंट कितना होगा, तो यहाँ पे देखो टोटल जो करंट होगा ना, यहाँ पे जो टोटल जो करंट होगा वो इंडक्टेंस L1 में जितना करंट होगा और L2 में जितना करंट होगा, और कैपेसिटिव में जो करंट होगा वो माइनस से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। बस आपको यही करना है, L1 में जो करंट फ्लो रही है 0.5 एम्पियर है, L2 में जो है आपका कितना है 0.3 है, और कैपेसिटिव का माइनस हम लोग लेंगे तो माइनस कितना होगा, माइनस 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.8 और माइनस 0.2, 0.6 हो जाएगा आपका, 0.6 एम्पियर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका था 0.6 एम्पियर, बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फाइनली, ये भी जो है आपका आंध्र प्रदेश पॉलिटेक्निक लेक्चर का क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, कोई करंट है जो आपका थ्रो है वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट, करंट थ्रो एंड वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट इन एन एसी सर्किट इज गिवन, मतलब करंट और वोल्टेज आपका किसी भी एसी सर्किट में दे दिया गया है, रियल पावर जो कंज्यूम होगा सर्किट के द्वारा वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा रियल पावर, रियल पावर कंज्यूम होने का मतलब एक्टिव पावर की ही बात होती है भाई, ठीक है, एक्टिव पावर ही कंज्यूम होता है आपका। तो ये हो जाएगा VRMS इंटू IRMS और इंटू cos phi हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका। तो यहाँ पे देखो cos phi निकालना चाहोगे तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये cos phi निकालने के लिए ये आपका 30 है और माइनस ऊपर वाले का 30, यहाँ पे फेज डिफरेंस कर लो, यहाँ पे 30, 30 माइनस 30 किया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 30 और ये माइनस माइनस प्लस होगा 30, यानी यहाँ पे आपका 60 डिग्री का थीटा एंगल हमारे पास मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुल मिला के यहाँ पे जो आपका रियल पावर कंज्यूम है VRMS कितना है आपको ये निकालना होगा। तो देखो VRMS बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो VRMS बराबर होता है हमारे पास मैक्स बाई अंडर रूट 2 होता है हमारे पास, और ये जो दोनों वैल्यू दिया गया है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है, और ये तो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जो RMS है वो हमें RMS क्या होगा, मैक्स बाई अंडर 2, यानी मैक्स का मतलब वोल्टेज कितना है आपके पास 100 है, ठीक है। तो 100 का अंडर रूट 2 कर लेंगे हम लोग, इसी तरीके करंट भी जो है IRMS निकालने के लिए मैक्स बाई अंडर 2, 10 करेंट अंडर रूट 2 कर लो। यहाँ पे cos थीटा, यानी cos थीटा का मतलब यहाँ पे आपका 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर 1000 होगा और नीचे 2 बचेगा, और cos 60 अंश का मान जो होता है वो भाई 1/2 होता है। यहाँ से जो पावर कंज्यूम होगा आप कैलकुलेट करिएगा, यहाँ से ये बनेगा 500 और यहाँ से आपका 250, ठीक है, 250 वाट आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है भाई। तो चलो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मोटिवेशन बनता है हम लोगों का। और अभी देखो धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। एक ही बार अगर बहुत सारे क्वेश्चन का लेवल ही काफ़ी हार्ड रख दो तो जो लोअर टाइप के बच्चे हैं वो नहीं देख पाएंगे ना, तो इसीलिए मैं लोअर मतलब हर क्वेश्चन हार्ड ही नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। अभी टाइम मिलेगा हार्ड भी, अब बहुत अच्छे अच्छे लेवल के अभी क्वेश्चन मिलेंगे, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, टाइम रखो, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम थी तो इस वजह से हम लोगों ने क्लास सिर्फ यहाँ पे 35 मिनट का ही यहाँ पे ले पाया हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली आपका जो क्लास रहेगा वो तो लगभग नियर अबाउट 50 मिनट का तो ही रहेगा। तो चलो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है, टाइम का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग कल फिर से नए क्वेश्चन के साथ।
वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा तभी ताकि सबका बेनिफिट हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे, लगभग इस सीरीज में 10,000 क्वेश्चन चलेगा, काफ़ी लंबे टाइम तक ये सीरीज चलने वाला है, ठीक है। बेसिक अभी जैसा कि मैंने बताया कि 1,000 क्वेश्चन जब तक होता है, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल ट्रांजिएंट क्वेश्चन, पैरामीटर टू पोल्ड जो भी है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो बस पेशेंस बनाए रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। चलो फ्रेंड, रखते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।